करते हैं। जैसे कहा था कि वाई स्क्वायर बराबर चार एक्स समीकरण नंबर एक और वाई बराबर एम एक्स दो से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का समझ रहे, वाई स्क्वायर बराबर चार ए एक्स है, वाई बराबर एम एक्स, इसे घेरा क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। तो देखो पहले था एक्स है, तो एक्स की तरफ इसको ऐसे खींच दो, खींचा गया एक्स अक्ष की तरफ, हाई जगह था वाई बराबर एम एक्स, इस सीधा रेखा जाए माने यहाँ से एकदम एकदम इस तरीके से सीधा जाए, हाई जो घिरेगा इसी घेरे, जहाँ कटेगा तो इसका मान कितना होगा, दोनों को समीकरण हल कर दो। जैसे देख रहे नु वाई बराबर, जैसे वाई बराबर एम एक्स है का मान मान समीकरण एक में रख दो, समीकरण एक में रखने को रख दो, वाई के ऊपर एम एक्स इसके ऊपर दो, फिर चार ए एक्स ठीक, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर चार ए एक्स, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बराबर चार ए बटा में एम आ गया, चार ए बटा में एम स्क्वायर, तो मैंने यह रखा जी चार ए बटा में एम स्क्वायर, तो जीरो से इतना बार में जाएगा। तो जब यहाँ से निकालोगे तुम अभीष्ट क्षेत्रफल, तो क्या लिखोगे, अभीष्ट क्षेत्रफल जब निकालोगे तो जीरो से चार ए बटा में एम स्क्वायर लिख, ठीक है। अब कौन दूर है बताओ, यहाँ से कौन दूर, ये वाला है ना, है कि नहीं जी बताओ, इस रेखा से, और ये वाला लेगो तो पूरा एरिया आ जाएगा, इसमें सही घट जाएगा। तो इसमें आप लिख लेना कि वाई पहला तो डी एक्स माइनस जीरो से लेकर उतना ही होगा, चार ए बटा में एम स्क्वायर वाई सेकेंड डी एक्स, तो जीरो से चार ए बटा में एम स्क्वायर एक को लिखा जा। अब पहला में बताओ, जब ही जब स्क्वायर हटाओगे तो चार ए एक्स, तो चार एक बटा दो एक एक तो छोड़ दो ना, बाहर ही निकल जाए, एक्स के ऊपर एक बटा दो भाई बाहर ही निकल जाए, चार और ये दोनों अचर पद हैं। तो एक काम करो, यहाँ से पहले तो लिख लो, तो कितना आया था, चार ए चार में दो निकलेगा ना, यहाँ से चार है तो दो ए के ऊपर एक बटा दो और एक्स के ऊपर एक बटा दो और यह डी एक्स निकाल जाओ, माइनस माइनस ये लिख लो चार ए बटा में एम स्क्वायर, हालांकि वाई बराबर एम एक्स है तो खाली एम एक्स लिख लो, तो डी एक्स यहाँ अब दो ए के ऊपर एक बटा दो समाकलन एक्स के ऊपर एक बटा दो डी एक्स, यहाँ जीरो ये बाहर ही निकाल लो, तो यहाँ एम स्क्वायर है क्या लिखा एक बार, जीरो रहेगा ना, जीरो से जीरो चार ए बट्टा एम स्क्वायर, तो यहाँ समाकलन कर देगा डायरेक्टली, एम निकल गया तो एक्स है, तो एक्स के ऊपर दो बटा में दो चार ए बट्टा में एम स्क्वायर जीरो, तो आए तो ऐसे ही रखना दो एक के ऊपर एक बटा दो, इसका भी कर लो तो तीन बटा दो हो जाएगा ना, एक एक जोड़ दो तीन बटा दो, तीन बटा दो चार ए बटा में एम स्क्वायर जीरो, मैंने सेम वही है, आई दो बाहर ही निकाल लो, आई चार ए बटा में एम स्क्वायर इसके ऊपर दो, आई तो जीरो होगा तो जीरो छोड़ दो, क्या करना है तो जीरो हो ही जाएगा, दो एक ऊपर एक बटा दो आई भाई बदल दो, आई ऊपर लगा होगा तो तीन बटा दो हो जाएगा, हाई तब एक्स की जगह पर रखा जाए चार ए बटा में एम स्क्वायर आई इसके ऊपर तीन बटा दो, अरे जीरो बटा छोड़ दो, हाई माइनस एम अपान दो, हाई पर जब करोगे तो गुणा 16 ए स्क्वायर अनिचवा एम के ऊपर चार हो जाएगा, ठीक है, एम के ऊपर कितना हो गया चार, तो हाई देख लो एक दो से दो काट दो, तो हाई ए के ऊपर एक बटा दो तीन, हाई सुनो एक तीन, तीन बटा दो का मतलब का भाई, कर्णी के अंदर जाए तो
दो हजार है, और चार ए बटा एम स्क्वायर इसके ऊपर तीन लिखा जाए, माइनस है दो से काट दो, आठ वाला कट गया, ठीक है, कट जाएगा तीन रहेगा, एम कर देता आठ ए स्क्वायर बटा में है एम के ऊपर थ्री, ऐसे आगे बढ़ा देते हैं। हई देखा हई का बा एक ऊपर एक मतलब कणी में कदा का करे बा तीन आगे कदा हई हई तीन बार लिखा है जन में दू को जोड़वा लगे थे वो निकल जाए, तीन बार लिखा है ना तो चार ए बटा में है एम स्क्वायर देखो निकल जाए, लेकिन एगो कर्णिया में बच जाए, चार ए बटा में तीन दू को मतलब छोड़वा लगे आठ ए स्क्वायर बटा में एम क्यू, वैसे ही हम लोग लिख देंगे। अब सुनो कुछ कटने वाला है नहीं करना, चार तीन बारह लिख लेवे बारह हो जाए, है देखा अगर ये हटाओ तारा तो हई हई दोनों सेम बा जुट जाए तो तीन बटा दो एक तीन बटा दो नीचे हई एम स्क्वायर वही है गुण है भाई चार बटा दो निकल जाए आ फिर एक ऊपर एक बटा दो रही आ नीचवा से कल में तीन लिखा जाए, ठीक हई माइनस देंगे बा आठ ए स्क्वायर बटा में एम के ऊपर थ्री, इस तरीके से सर देख लो समाधान करते जाओ मान भरते जाओ तो बढ़ता ही चला जाओ, खाली बस वही सवाल उतार लो बोले दिया गया है बाकी अपने आप से ही लगा, समझ आया तो नोट करो, खाली सवाल नोट कर लो, हम बताते चले तुम लोग सवाल नोट करते चलो।